नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरुजी पर। और दोस्तों, आरपीएससी ने प्रवेश पत्र तो जारी कर दिए हैं, लेकिन आरपीएससी के सामने बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है कि परीक्षा करवाएं या नहीं करवाएं। तो दोस्तों, इसके अलावा आज कोर्ट में रिट लगाने की तैयारी भी कर रही है कि 2 तारीख को रिट है वो लगाई जाएगी। तो देखिए क्या है पूरी न्यूज़। फर्स्ट इंडिया की ब्रेकिंग न्यूज़ है कि ये व्याख्याता भर्ती परीक्षा हुई या जी का जंजाल। आरपीएससी ने नहीं रखा महिला अभ्यर्थियों का भी ख्याल। आरपीएससी ने जहां सेंटर मांगा उसके उलट 300 से 400 किमी दूर दिया सेंटर। अब ऐसे में इस कड़ाके की सर्दी में महिला अभ्यर्थियों को परेशानी कि इस कड़ाके की सर्दी में अपने बच्चों के साथ कैसे करें इतना लंबा सफ़र। अब महिला अभ्यर्थी लगा रही शिक्षा मंत्री से गुहार, अपना सेंटर यथावत रखने की लगा रही गुहार। यानी दोस्तों, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस कड़कड़ाती सर्दी के अंदर आरपीएससी ने महिला अभ्यर्थियों को भी ऐसे सेंटर अलॉट किए हैं जो उनके गृह ज़िले से बहुत ज़्यादा दूर है। जैसे कि जो बारां वगैरह उधर के जो हैं उनका भी जयपुर है, इधर श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ वालों का भी जयपुर है, तो उनकी जयपुर लगभग 400 से 500 किलोमीटर दूर है वो हो जाता है। और दोस्तों, इसके अलावा आरपीएससी की जो गाइडलाइन है कि आपको स्वेटर पहन के नहीं आनी है, मफलर पहन के नहीं आना है, तो इस कारण से जो आरपीएससी वो एक तरीके से बहुत अत्याचार है वो महिलाओं के जो अभ्यर्थी है, जो पुरुष अभ्यर्थी उन पर कर रही है। क्योंकि इस कड़कड़ाती सर्दी के अंदर बिना गर्म कपड़ों के आना दुश्वार हो सकता है और उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है वो होगी कि इस प्रकार की सर्दी में वो कैसे मैनेज करें। दोस्तों, आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।